अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू, आदाब। मैं कमाल असफ राइन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा। आज बहुत सोचने और समझने के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मुझे जो समझ में आ रहा है मैं अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, मैं ख़ास तौर पे उन लोगों से मुखातिब हूँ जो देश हित में सोचते हैं, जो सेकुलर जहनियत के लोग हैं, जो अमन शांति चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी मुल्क, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी व्यक्ति उसी वक्त आगे बढ़ता है और तरक्की करता है जब वो सेल्फ डिपेंडेड हो और आगे बढ़ने की सलाहियत रखता हो और हर तरह से अपने लोगों को साथ लेके चलता हो। लेकिन आज हम ये दावा तो कर रहे हैं लेकिन हमारा बेस जो है वो बिल्कुल खोखला है और कमज़ोर है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2004 में जब माननीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तब हमारा देश 17 लाख करोड़ का कर्जदार था। 2014 तक वो रहे तब हमारे देश के ऊपर विदेश का 55.87 लाख करोड़ रुपया कर्ज हुआ। लेकिन 2014 के बाद आज जो हमारा मुल्क है, राष्ट्रीय स्तर पर 161 लाख करोड़ और राज्यों में 44 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जहां 205 लाख करोड़ के हम कर्जदार हैं, ऐसी स्थिति में हम तरक्की की बात कैसे सोच सकते हैं? वर्ल्ड बैंक यहूदियों के अख्तियार में है और वहां हमारी प्रॉपर्टी गिरवी है। जाहिर है कि हम जहां भी कोई भी फैसला लेंगे तो हमारे हर फैसले में वहां से अरंगा लगेगा। आज लोकसभा का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक सरकार चुननी है। एक सरकार है जो विगत 10 वर्षों से काम कर रही है और देश के जो हालात है वो आज हमारे सामने है। आज मैं ये देख रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं और राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की क्या हालत है। आज हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहा है, जातियां हो रही हैं, तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। आज हमारे पक्ष में कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप आज हमारे पक्ष में बोल नहीं सकते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि आज एनडीए की सरकार है कल इंडिया की सरकार आ जाएगी, आज भाजपा है कल कांग्रेस आ जाएगी तो वो आएगी तो जो ये जो मसले हैं वो सब सही हो जाएंगे? जो माहौल तैयार हो गया है इसे बदल नहीं पाएगी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस या जो भी लोग हैं। आज आप बोल नहीं रहे हैं, हम पर जाति होती है, मुंह तक नहीं खुलता है, ऐसा गुलाम बनाए हुए हैं कि मुआवजा तक देने को तैयार नहीं है। हर आदमी इस चक्कर में लगा हुआ है कि कौन हिंदुत्व की लड़ाई में आगे है, कौन हार्ड है, कौन सॉफ्ट है, कौन नरम है, कौन गरम है, कौन कम है, कौन ज़्यादा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, सब इसी क्रेडिट में लगे हुए हैं। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब समझ रही हैं कि हमारा इतना वोट है
इतना मुसलमान वोट को प्लस कर लो और हम सत्ता में आ जाएंगे, हमारे लोग सांसद हो जाएंगे। दलित ऐसा सोचते हैं, अति पिछड़ा ऐसा सोचते हैं, यादव ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब हम पर जाति होती है तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारा वोट सबको चाहिए। इसलिए इस लोकसभा चुनाव में मैं बहुत ही जल्द अपने संगठन के कार्यकर्ताओं नेताओं की एक अविलंब बैठक बुलाऊंगा और उनसे विचार विमर्श करूंगा, लेकिन जो मुख्तसर में हमारे कुछ लोगों के साथ हमारा विचार विमर्श हुआ है, हम लोगों को यही लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर देश के मुसलमानों को इस मौजूदा चुनाव में जो भी हमारी मिल्ली तंजीमें हैं, जो भी हमारी मजहबी तंजीमें हैं, जो भी हमारे मजहबी रहनुमा हैं, जो हमारे सामाजिक रहनुमा हैं, उन्हें एकजुट होकर राष्ट्रीय स्तर पर यह ऐलान करना चाहिए कि आज कोई भी सियासी पार्टी हमारे हक और हुकूक को देने को तैयार नहीं है, हमारी आवाज़ बनने को तैयार नहीं है, हमारी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है, हमारे साथ इंसाफ करने कराने को तैयार नहीं है, तो आज हम किसी भी सियासी पार्टी को अपना बहुमूल वोट क्यों दें। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने वोट का बहिष्कार करें, बायकॉट करें। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसको अपना वोट दें और उनकी सरकार बनाए। हमें ऐसा लगता है कि जो माहौल आज तैयार हो गया है, ये माहौल बदलने वाला नहीं है। ना इस माहौल को भाजपा बदल सकती है, ना इस माहौल को अब कांग्रेस बदल सकती है। कल अगर मोदी ये हटेंगे, राहुल आएंगे, कोई और आएंगे, तो वो इसी कदम पर चलेंगे कि जो बहुसंख्यक जो हिंदुत्व का जो कार्ड यहां चला गया है वो हमसे नाराज ना हो, अब बलि का बकरा मुसलमान ही बनेगा। इसलिए मुसलमानों को बहुत ही सोच और समझ करके इस बार एक फैसला लेना चाहिए कि हम इस चुनाव में हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करेंगे। आप अपने दम पर सक्षम हो, लालू यादव को लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो वोटर है अगर मुसलमान ना भी वोट देगा वो सत्ता में आ जाएगा, चुनाव जीत जाएगा, तो जीतो। जिसको ऐसा लगता है वो ऐसा करे। क्या हो रहा है, हमारे जो सियासी नेता है वो क्या कर रहे हैं? अली अजहर फातमी को लगा दरभंगा से राष्ट्रीय जनता दल से हमको नहीं मिलेगा लोकसभा का टिकट, जदयू ज्वाइन कर लिया। जदयू जब बीजेपी से गठबंधन हो गया, देखा कि यहां बीजेपी का सिटिंग है, वापस आरजेडी में अपना आ गए। अशफाक करीमी इस इंतजार में रहे कि हमको फिर से राज्यसभा भेजा जाएगा, नहीं भेजा गया, लोकसभा का टिकट मिल जाएगा, नहीं मिला, तो वो जदयू छोड़ के राजद में चले गए और ये राजद छोड़ के जदयू में चले गए। आज जो स्थिति है अगर आप बिहार में देख लीजिए, राजद ने मात्र दो टिकट दिया मुसलमानों को, एक मधुबनी से फातमी साहब को और एक अररिया से सैयद मोहम्मद सनवा साहब को, और ये दोनों सीट ये लोग जीतने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि एक बात तय है, जो राजद का वोटर है ना वो इनको वोट नहीं देगा, ऐसा विगत कई चुनाव में देखा गया है। बीजेपी ने कोई सीट दिया नहीं मुसलमानों को, जदयू ने सिर्फ एक सीट दिया है। तारिक अनवर का इतिहास है कि कटिहार से लगातार हार रहे हैं, फिर हारेंगे। वहां शेरशाह आबादी भाटिया मुसलमानों की आबादी है और बार बार आप पटना से सैयद मुसलमान को देते हैं, जिसका जातिगत गणना बता दिया है कि 3 लाख इनकी आबादी है, कैसे आप वहां से चुनाव जीत जाइएगा? तो जब एक तरफ आज जातीय जनगणना करा चुके हैं, किसकी कितनी आबादी ये सब सामने आ चुका है, उसके हिसाब से आप हिस्सेदारी भी नहीं देते हैं। आज पिछड़ा थी पिछड़ा मुसलमान अपनी वकालत क्या करेगा, अपनी बात क्या करेगा? आप देखिए तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज तो मुसलमानों की हिस्सेदारी को जीरो कर दिया गया है। इसलिए एक गंभीर मुद्दा है, ये सोचने की घड़ी अब नहीं है, फैसले की घड़ी है। हमें लगता है कि लोगों को फैसला लेना चाहिए, कोई आपका नहीं है। आज ये जो ओवैसी साहब हैदराबाद से घूम रहे हैं पूरे राज्यों में, ये मुसलमानों के ठेकेदार बने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के वक्त भी जो मुस्लिम लीग का रोल था ना,
सेपरेट कंस्टिट्यूएंसी, सेपरेट रिजर्वेशन, जिसने मुल्क को बांट दिया, इनके भी भाषण ऐसे ही जहरीले होते हैं। ये भी हमारे यहां का हुकूक और हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो असम में जो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने भी काफी काम किया है, वहां वो भी सियासी पार्टी चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अयूब अंसारी साहब भी हैं जो वर्षों से पीस पार्टी चला रहे हैं। इन लोगों का सहयोग क्यों नहीं लिया आपने? आज जो माहौल है, इस माहौल में मैं पूरे देश के मुसलमानों से अपील करूंगा और गुजारिश करूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर, कौमी सतह पर इस बार जो माहौल बना है, मुसलमान एकजुट हो और ये ऐलान करे कि हमारे बगैर भाजपा तो सरकार बनाती है, उसे हमारा वोट चाहिए भी नहीं, लेकिन बाकी जो लोग हैं जो हमारे मदद से जाते हैं, सरेआम पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद और उनके भाई को गोली मार दिया गया, कहां अखिलेश यादव, मायावती, किसी ने कुछ नहीं बोला। सिवान सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन, जिसने कभी भी दल बदल की राजनीति नहीं की, पूरा जीवन दे दिया राष्ट्रीय जनता दल को, साजिश के तहत उसको मार दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के लोग उसके जनाजे में भी शामिल नहीं हुए, ये कोशिश भी नहीं हुई कि उसकी बॉडी जो बिहार भेजा जाए। मुख्तार अंसारी आज परिवार आरोप लगा रहा है कि धीरे धीरे पॉइजन देकर मार दिया गया। आजम खां, इतना बड़ा कद्दावर मंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर, बकरी चोर, मुर्गी चोर, कौन चोर, कौन चोर, पूरा परिवार जेल में, कौन बोल रहा है? राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, कौन नहीं जानता है कि आज जो गाय की तस्करी होती है, गौ मांस की, वो सबसे बड़ा अल कबीर जेएनयू का वो फैक्ट्री है, वहां मुसलमान कहां है? लेकिन मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उनके साथ मॉब लिंचिंग होता है, कौन बोलता है? आज रामनवमी के नाम पर, शोभा यात्रा के नाम पर जगह जगह जुलूस जाकर के मस्जिदों पे, मदरसों पे हमला करता है, मुसलमानों को मारने में उनको उकसाता है, और उसके बाद मुसलमानों के घर को जो बुलडोजर किया जा रहा है, मुसलमान को ही जो जेल भेजा जा रहा है, कहीं कोई बोल रहा है? लेकिन भाजपा छोड़ मेरा वोट सबको चाहिए, इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस बार जो देश की स्थिति है साथियों, ये लोग 205 लाख करोड़ के कर्जदार हैं, ये हमारे देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, आम और आवाम को मेन इशू से भटकाने के लिए आपका जो है जेएनयू को हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा दलित सब में उलझा करके आपको सांप्रदायिकता माहौल में फंसा करके रखना चाहते हैं। आज जो ये मसला पैदा हो रहा, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। आज जो हमारे पिछड़े और पसमानदा और अति पिछड़ा जो दलित मुसलमान जो सियासी शौर रखते हैं, वो आज एनडीए के समर्थक हैं। जो जनरल मुसलमान है, जो अपर कास्ट मुसलमान है, वो देख रहे हैं कि उनको जहां से फायदा मिले वो वहां जाकर शामिल हो जा रहे हैं। लेकिन अभी ये वक्त का फायदा को आप किनारे कीजिए, और अभी इस चुनाव में हमारी समझ ये है, बहुत से काबिल लोग भी हैं, दानिश्वर लोग भी हैं हमारे समाज में, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी हैं, अभी जो मसला है इस मसले पर बहुत ही गंभीरता से उनको भी सोचना चाहिए कि वो क्या करें, किसको सपोर्ट करें, किसके साथ जाएं, कौन हमारी रहनुमाई करेगा। बेशक हम ईमान वाले हैं, हमारा अल्लाह है, उसकी मर्जी से ही सब कुछ होता है, आज उसकी मर्जी है तो एक जालिम बादशाह उसने हम पर मुसल्लत कर दिया है, वो जब तक चाहेगा वो रहेगा, जब चाहेगा इस बादशाह को भी, बड़े बड़े नमरूद और फिरौन चले गए तो ये क्या चीज है, इसे भी हमारे सर से हटा देगा। लेकिन हमें तो कुछ हिकमत अमली अपनाना होगा ना, तो ऐसे लोगों के साथ क्यों जा रहे हो जो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए लड़ना तो दूर, कुछ करना तो दूर, वो मुंह तक नहीं खोल रहा है, बोल भी नहीं रहा है तुम्हारे खिलाफ।
तो ऐसे लोगों के साथ जाने से बेहतर है कि बाजाबता ऐलान कर दिया जाए कि इस दफा लोकसभा चुनाव में मुसलमान किसी भी सियासी पार्टी को वोट नहीं देंगे, वोट का बायकॉट करो, हर अपने गांव और मोहल्लों में बैनर लगाओ कि इस बार हमारा वोट नहीं मिलेगा, किसी भी सियासी पार्टी को नहीं मिलेगा। आज हरियाणा में लोगों ने लगाया बैनर, किसानों ने लगाया जगह जगह बैनर, मुसलमानों को भी चाहिए कि वो बैनर लगाए और ऐलान करे, घोषणा करे कि हम अपना वोट किसी भी सियासी पार्टी को नहीं देंगे। अगर हमारी बात से आपको इत्तेफाक है, आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो आप अपने अपने गांव और मोहल्लों में आप बैनर टांग दो, ऐलान कर दो कि हम इस चुनाव में किसी भी सियासी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। जब आप ऐसा करोगे तो जिन लोगों को हमारे वोट से फायदा होता है, जो हमारे वोट से सत्ता में आते हैं, जब उनको नुकसान नजर आएगा तब वो आपकी अहमियत समझेंगे, तभी वो आपके मसले को भी हल करेंगे और आपको मुनासिब आपकी आबादी के हिसाब से आपको हिस्सेदारी भी देंगे। और आप एक बार बायकॉट करेंगे ना तो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनको जवाब देना होगा कि एक बड़ी आबादी जो थी उसने वोट का बहिष्कार कर दिया, तो जो सरकार बनी है उसको मान्यता कैसे दी जाएगी। इसलिए ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। मैं आप लोगों से बार बार ये अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस चुनाव में आप लोग एक बार पुनः हमारे इस विचार पर, रिक्वेस्ट पर, अनुरोध पर गौर करेंगे। ये हमें उम्मीद है कि आप इस पर कुछ फैसला करेंगे। इंशाल्लाह तमाम लोगों को हमारा आदाब सलाम, अल्लाह हाफिज़।